बुरहानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में एक अजब नजारा देखने को मिला। यहां पार्टी के एक नेता को दिग्विजय सिंह ने मंच से उतार दिया। उस नेता ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। सियासत में इन दिनों सबका साथ सबका विश्वास पर जोर है, लेकिन जरा इधर देखिए, सबका साथ तो दूर, कांग्रेस के मंच से इसी के नेता को उतार दिया गया। ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। दिग्गी राजा भाषण देने ही वाले थे कि उन्हें मंच पर पदाधिकारियों के बीच कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अबरार साहब दिखे। अब दिग्विजय सिंह को इससे क्या आपत्ति थी ये वही जाने, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया उससे सब हैरान रह गए। दिग्विजय सिंह ने साहब को मंच से उतरने को कह दिया। अब किसी को यूं मंच से उतार दिया जाए, गुस्सा तो आएगा ही, बेइज्जती तो फील होगी ही। अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को भी हुई, इन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है। बुरहानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया, 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं, उसके बाद में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के लिए वहाँ अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा मैं वर्तमान में ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस से और वर्तमान पार्षद भी हूँ कांग्रेस से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड से, अबरार साहब। आप ये स्टेप उठाएंगे शहर के अंदर, आपके माध्यम से बात जाना चाहिए कि हमारे साथ में क्या बेइज्जती हुई है। आप देख सकते हैं अंदर मीटिंग चल रही है और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हूँ, नियुक्त जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे बाहर किया गया है। एमपी में चुनावी साल है, पार्टियां हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को ही नाराज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।